हेलो मैम परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी अपने इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में, और आज हम लोग बात करेंगे अपने स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम की, तो देखो स्केलेटल सिस्टम होता क्या है। स्केलेटल सिस्टम को हिंदी में हम लोग कंकाल तंत्र कहते हैं, और ये बेसिकली हमारी बॉडी में जितनी भी हड्डियाँ हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बोन्स हैं, उन सबका कलेक्शन ही हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है। यानी स्केलेटल सिस्टम के अंदर बेसिकली हमारी बॉडी की पूरी बोन्स आती हैं, ठीक है। यानी हमारी बॉडी में जितनी भी हड्डियां हैं वो सारी की सारी यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम के अंदर आती हैं। अब ये यहाँ पे देखो स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। यानी हमारी बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है वो हमारे स्केलेटल सिस्टम की वजह से ही है, ठीक है। तो इंसानों का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इंसान यहाँ पे सीधे खड़े होते हैं, तो यहाँ पे सीधे कैसे खड़े होते हैं, अपने बोन्स की वजह से, ठीक है। बोन्स उनका एक स्ट्रक्चर बनाती है। देखो जानवरों का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जानवर सीधे नहीं खड़े हो पाते ना, वो यहाँ पे चार पैरों पे चलते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर वहाँ पे अलग होता है। और इंसानों का स्ट्रक्चर यहाँ पे, ह्यूमन का स्ट्रक्चर यहाँ पे अलग होता है। तो हमारा जो भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो हमारे बोन्स की वजह से ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हमारी पूरी बॉडी को यहाँ पे सपोर्ट करने का काम करती है। और उसके बाद यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनको प्रोटेक्शन देने का काम भी हमारा स्केलेटल सिस्टम करता है। यानी कि हमारे बॉडी के जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा हार्ट हो गया, किडनी हो गई, तो उन सब के ऊपर हमारी स्केलेटल सिस्टम की एक कवरिंग है, ठीक है, एक लेयर है, जिसकी वजह से वो अंदर हमारे प्रोटेक्ट है, ठीक है। यानी कि उनको जो है एक सुरक्षा प्रदान करने का काम हमारा स्केलेटल सिस्टम यहाँ पे करता है। अब देखो जो हमारा एक एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन होता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे उसके अंदर हमारी 206 हड्डियाँ होती हैं। देखो एडल्ट की बात हो रही है, यानी कि जब हम लोग यहाँ पे 18 साल से ऊपर हो जाते हैं तो हमारे अंदर जो है 206 हड्डियाँ बचती हैं। देखो जब यहाँ पे हम लोग बचपन में होते हैं, ठीक है, यानी कि एक जो चाइल्ड होता है उसके अंदर यहाँ पे बोन्स की नंबर ज़्यादा होते हैं, अप्रॉक्स 300 होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं तो हमारी कुछ बोन्स जो है आपस में मर्ज हो जाती हैं, ठीक है, और इसी वजह से जब हम लोग यहाँ पे बड़े हो जाते हैं तो हमारे अंदर 206 हड्डियाँ बचती हैं। अब यहाँ पे जो हमारी बोन टिश्यू होती है, तो सबसे पहली बात आप लोग ये जान लो कि जो बोन है वो एक टिश्यू है। और कौन सा टिश्यू है आप लोगों को याद है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने देखा था ना कि हमारे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आता था, ब्लड आता था, बोन्स आता था, कार्टिलेज आता था। तो बोन हमारा क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है कनेक्टिव टिश्यू का वीडियो आप लोग एक बार देख लो, क्योंकि वहां पे अभी आगे आप लोग को काफ़ी चीज़ें कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड मिलने वाली हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा बोन टिश्यू होता है वो हमारी पूरी बॉडी वेट का 18% होता है। यानी कि हमारा पूरा बॉडी वेट जितना भी है तो उसका 18% हमारा बोन टिश्यू होता है, यानी कि आप कह सकते हो स्केलेटल सिस्टम होता है, ठीक है। अब ऑस्टियोलॉजी हमारी वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लोग जो है स्केलेटल सिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है इसके अंदर बेसिकली होता क्या क्या है, इसके अंदर बेसिकली होती हैं हमारी बोन्स होती हैं, कार्टिलेज होता है, जॉइंट्स होता है और लिगामेंट्स होते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली अपने बोन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें अपने फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देख ही लिया है कि ये हमारी बॉडी को जो है सपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है, इसी की वजह से हमारी बॉडी जो है एक स्ट्रक्चर में रहती है। और उसके बाद ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। जैसे हमारा ब्रेन हो गया, तो ब्रेन को कौन प्रोटेक्शन देता है, ब्रेन को प्रोटेक्शन देती हैं हमारी जो है स्कल बोन्स, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से देखेंगे। और जैसे हमारा हार्ट हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, तो इन सबको प्रोटेक्शन देने का काम हमारी बोन्स ही करती हैं, ठीक है। यानी आप कह सकते हो हमारा स्केलेटल सिस्टम यहाँ पे करता है। अब मूवमेंट की बात करें तो ये हमारी स्केलेटल मसल से अटैच होती हैं। जैसे हमारी जो भी बोन्स हैं, हमारी जो भी हड्डियाँ हैं, वो हमारी स्केलेटल मसल से अटैच होती हैं। तो स्केलेटल मसल को हम लोगों ने मसल टिश्यू में देखा था। स्केलेटल मसल क्या होती हैं, जो यहाँ पे बोन से अटैच रहती हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट होता है वो यहाँ पे हमारी स्केलेटल मसल की वजह से होता है। और मसल अटैच किससे रहती हैं, बोन से। यानी अल्टीमेटली जो हमारा बोन है, यानी हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, वो यहाँ पे बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करने का काम भी करता है, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो ये यहाँ पे बहुत सारे मिनरल को स्टोर करने का काम भी करता है। जैसे आप लोगों ने अक्सर सुन रखा होगा कि हमारी हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम। तो यहाँ पे जो कैल्शियम है, फॉस्फेट है, ठीक है, उसके बाद फैट स्टोरेज का काम भी हमारा बोन करता है। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। और उसके बाद बात करें तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारी बोन का, ब्लड प्रोडक्शन। तो आप लोग को शायद पता है या फिर नहीं पता होगा कि हमारी जो भी ब्लड सेल्स हैं
वो यहाँ पे हमारी बोन के अंदर ही प्रोड्यूस होती हैं, और उसके अंदर भी कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, हमारी रेड बोन मैरो से। ठीक है, तो बोन के अंदर क्या होता है, यानी हमारी हड्डियों के अंदर क्या होता है, बोन मैरो। और उसके अंदर कौन कौन से बोन मैरो होते हैं, दो बोन मैरो होते हैं, पहला रेड और दूसरा येलो। तो अभी हम लोग देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी ब्लड सेल्स हैं वो यहाँ पे रेड बोन मैरो के अंदर ही प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, यानी रेड बोन मैरो जो है हमारी ब्लड सेल को प्रोड्यूस करने का काम करता है। और अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ बोन के बारे में। तो बोन जो है हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है। सबसे पहली बात, बोन हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, और उसके बाद उसमें भी ये सबसे हार्डेस्ट होता है, और जिसके अंदर हमारी ग्रोथ की कैपेबिलिटी होती है। देखो, बोन्स हमारी ग्रो करती हैं तभी तो हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। जैसे हम लोग बचपन में थे तो छोटे से थे, अभी हम लोग का साइज जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो जैसे हमारी हाइट बढ़ती है, तो हाइट हमारी कैसे बढ़ती है, जब हमारी बोन ग्रोथ करती है। ठीक है, जब हमारी बोन का साइज बढ़ता है तो हमारी हाइट बढ़ती है, यानी बोन के अंदर हमारी ग्रोथ की कैपेबिलिटी होती है। और उसके बाद ही हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो हम लोगों ने फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम देख ही लिया है। ठीक है, तो उसमें जितने भी सारे फंक्शन थे वो हमारी बोन्स ही तो परफॉर्म करती हैं। देखो, आप लोग ये चीज़ समझ लो, स्केलेटल सिस्टम का मतलब हमारी बोन्स। ठीक है, तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं बोन्स के बारे में तो हम लोग बात कर रहे हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में, और अगर हम लोग बात कर रहे हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में तो हम लोग बात कर रहे हैं बोन्स के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो हमारी बोन्स हैं इसके अंदर बेसिकली दो पार्ट होते हैं, जिसमें पहला है हमारा डायाफाइसिस और दूसरा है हमारा एपिफाइसिस। अब देखो, यहाँ पे आप लोग जो है इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, तो यहाँ पे देखो जो एपिफाइसिस होता है ये यहाँ पे बोन्स के दोनों एंड्स होते हैं, यानी कि हमारी जैसे जो भी हड्डी है, ठीक है, तो उसके जो दो साइड्स एंड हैं, ठीक है, ये जो दो एंड हैं उसको हम लोग कहते हैं एपिफाइसिस, और ये जो बीच का पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं डायाफाइसिस। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा बीच का पार्ट होता है यहाँ पे होता है हमारा येलो बोन मैरो, और जो हमारा साइड का पार्ट होता है वहाँ होता है हमारा रेड बोन मैरो। अब हम लोग यहाँ पे जैसे डायाफाइसिस यहाँ पे देखो क्या क्या करता है। जैसे डायाफाइसिस हमारा क्या होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड मेन पोर्शन ऑफ द बोन। ठीक है, यानी कि हमारी बोन का जो सबसे मेन पोर्शन है वो होता है हमारा डायाफाइसिस। अब यहाँ पे डायाफाइसिस मेनली हमारा रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो को जो है कंसिस्ट करता है। अब रेड बोन मैरो यहाँ पे क्या करती है, हम लोगों ने देखा था रेड बोन मैरो हमारी ब्लड सेल को प्रोड्यूस करती है, और येलो बोन मैरो क्या करता है, येलो बोन मैरो यहाँ पे फैट को स्टोर करता है। और उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना कि जब यहाँ पे कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, यानी इमरजेंसी होती है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी से मान लो हमारा एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो बहुत ज़्यादा ब्लड यहाँ पे हमारी बॉडी से जब बाहर निकल जाता है तो हमारी बॉडी को जो है क्या है, ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ब्लड हमारी बॉडी में प्रोड्यूस कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में। तो इमरजेंसी के टाइम होता क्या है कि ये जो येलो बोन मैरो है ये भी रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाती है, और इसकी वजह से हमारे ब्लड का प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ जाता है। और वहीं बात करें हम लोग एपिफाइसिस के बारे में, तो ये हमारी जो बोन है उसके, ठीक है, उसके दोनों एंड्स होते हैं, और उसके बाद इसके अंदर हमारी स्पॉन्जी बोन्स होती हैं, यानी कि जो हमारी बोन का एंड पार्ट होता है वो थोड़ा स्पॉन्जी नेचर का होता है। ठीक है, यानी कि आप लोगों ने स्पंज देखा है ना, तो बस उसी नेचर का होता है। तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ बोन के बारे में, यानी कि हमारी बोन के अंदर यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखो, जो हमारा बोन है उसके अंदर बेसिकली हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अगर आप लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू देखा है तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी हमारी यही दोनों चीज़ें होती थी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कनेक्टिव टिश्यू एक बार देख लो। तो बोन के अंदर हमारा क्या होता है, सेल होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। इसको आप लोग बिल्कुल ऐसे समझो जैसे ये हमारी बोन है। ठीक है, ये हमारी बोन है, ध्यान से देखना, जैसे ये हमारी बोन है, ऐसे ही तो होता है हमारी बोन का स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा सा। अब अगर मान लो हम लोगों ने इसको बीच से काटा, ठीक है, बीच से काटा, तो ये जो बोन है ये ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, बीच से काटने के बाद, तो ये हमें कुछ इस टाइप का दिखता है, जहाँ पे सेंटर में होती हैं हमारी सेल्स, ठीक है, और साइड में होता है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी ये वाला पार्ट होता है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और बीच बीच में हमें जो है सेल्स वगैरह देखने को मिलती हैं अगर हम लोग जो है इसको सेंटर से काटें। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि बोन के अंदर हमारा क्या है, सेल है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। अब सेल्स भी देखो हमारी बोन्स के अंदर कौन कौन सी होती हैं, तो पहली सेल होती है हमारी ऑस्टियोप्रोजिनेटर, ठीक है, और दूसरी होती है ऑस्टियोब्लास्ट, फिर ऑस्टियोसाइट्स, और फोर्थ होती है हमारी ऑस्टियोक्लास्ट। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली हमारे दो पार्ट होते हैं, जिसमें पहला है हमारा ऑर्गेनिक पार्ट, दूसरा है हमारा इनऑर्गेनिक पार्ट। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सेल्स को देख लेते हैं, जैसे हमारा ऑस्टियोप्रोजिनेटर हो गया, ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो हमारी ऑस्टियोप्रोजिनेटर होती है इसको हम लोग जो है ऑस्टियोजेनिक भी कहते हैं, और ये हमारी बोन की स्टेम सेल होती है। देखो स्टेम सेल क्या होता है कि ये हमारी बोन की सबसे बेसिक सेल होती है, जिसकी वजह से हमारी बाकी सेल जो है बनती हैं। यहाँ पे जो हमारी ऑस्टियोप्रोजिनेटर है
यही हमारी सेल डिवीजन में जाके हमारे ऑस्टियोब्लास्ट का फॉर्मेशन करती है, जो कि हमारी नेक्स्ट सेल है। यानी कि ऑस्टियोब्लास्ट का फॉर्मेशन हमारा ऑस्टियोप्रोजेनेटर के द्वारा ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि जो ऑस्टियोप्रोजेनेटर है, सिर्फ यही सेल हमारी जो है सेल डिवीजन में जाती है बोन के अंदर, ठीक है। और इसी की वजह से हमारी जो है आप कह सकते हो कि बाकी सेल्स जो है बनती हैं। अब यहाँ पे जो हमारा ऑस्टियोप्रोजेनेटर है, ये बेसिकली हमारे बोन की रिपेयरमेंट में और ग्रोथ में काम करता है, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट के बारे में, तो ये हमारी बोन की बिल्डिंग सेल्स होती हैं, ठीक है। यानी हमारी पूरा जो बोन है वो आप कह सकते हो कि हमारा ऑस्टियोब्लास्ट सेल की वजह से ही बनता है। अब यहाँ पे ये बेसिकली देखो करता क्या है कि जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, उसका जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है वो हमारा ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो है प्रोड्यूस करता है। देखो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कितने पार्ट थे, दो पार्ट थे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है, अभी हम लोग आगे देखेंगे, तो जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है वो हमारा ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो है प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और हमारा ऑस्टियोसाइट क्या करता है, ये हमारी बोन टिश्यू का सबसे मेन सेल होता है, जो हमारी बोन के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही होती है, ठीक है, उनको मेंटेन करने का काम करता है। जैसे कि हमारा एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गया विथ ब्लड, तो ब्लड हमारी बोन, जैसे हमारी बोन टिश्यू के अंदर ही तो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, तो ब्लड को जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, देखो ब्लड हमारी एक सेल ही तो है, तो ब्लड को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वहाँ पे उसको पहुँचाने का, और अगर ब्लड के अंदर कोई वेस्ट प्रोडक्ट है तो उसको बाहर निकालने का काम हमारा जो है ऑस्टियोसाइट करता है, ठीक है। यानी कि एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद ब्लड, तो जो भी हमारी केमिकल चेंजेस होते हैं हमारी बोन के अंदर, ठीक है, वो हमारा ऑस्टियोसाइट यहाँ पे परफॉर्म करता है। और फाइनली हम लोग बात करें ऑस्टियोक्लास्ट के बारे में, तो ये यहाँ पे लार्ज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं। यानी हमारी बोन्स के अंदर जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल होती है वो यहाँ पे बहुत बड़ी होती है, और उसके अंदर जो है मल्टी न्यूक्लियस यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। अब देखो जो ऑस्टियोक्लास्ट का सबसे मेन फंक्शन है वो है बोन रिजॉर्प्शन। अब बोन रिजॉर्प्शन एक बहुत ही अलग टॉपिक है, बट शॉर्ट में आप लोग समझ लो कि यहाँ पे होता क्या है कि हमारी बोन्स जो है ब्रेक होती हैं और उसके अंदर से कैल्शियम जो है रिलीज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें हम लोग जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में, तो इसके अंदर हम लोगों ने देखा था जैसे कि हमारा दो पार्ट होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक पार्ट में बेसिकली हमें जो है कोलाजन देखने को मिलता है, ठीक है, उसके बाद नॉन कोलाजन इंक्लूडिंग ग्लाइकोप्रोटीन लिपिड, यानी जो भी ग्लाइकोप्रोटीन लिपिड है, कोलाजन है, ये सारी चीज़ें हमें ऑर्गेनिक पार्ट में देखने को मिलती हैं। यार इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि कनेक्टिव टिश्यू अगर नहीं देखा है तो एक बार आप लोग थोड़ा सा देख लो, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और इनऑर्गेनिक पार्ट की बात करें तो ये हमारा जो है बेसिकली जो है हमारा कैल्शियम, यानी हमारी बोन के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमारा कैल्शियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और जो भी अदर ट्रेस एलिमेंट्स हैं, तो बेसिकली यहाँ पे कैल्शियम सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है, बोन्स में। तो उन सारी चीज़ों को हमारा इनऑर्गेनिक पार्ट जो है कंटेन करता है। एंड फाइनली हम लोग बात करें अपने आज के लास्ट टॉपिक के बारे में, तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ बोन्स, यानी बोन हमारी कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे हमें बेसिकली पांच टाइप की बोन्स देखने को मिलती हैं, जिसमें पहला हो गया हमारा लॉन्ग बोन्स, फिर शॉर्ट बोन्स, फिर फ्लैट बोन्स, फिर इररेगुलर, फिर सेसामॉइड। तो इन पांचों को हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जैसे हमारी लॉन्ग बोन्स, तो इसका नाम क्या है, लॉन्ग, तो ये लंबी होंगी, ठीक है, यानी इनका साइज यहाँ पे थोड़ा लंबा होता है। तो यहाँ पे जो लॉन्ग बोन्स है वो मेनली हमारी बॉडी का जो वेट होता है, ठीक है, और जो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है तो उसको सपोर्ट करने का काम हमारी लॉन्ग बोन्स करती हैं। और लॉन्ग बोन्स का सबसे फेमस एग्जाम्पल है हमारा फीमर। तो फीमर बेसिकली हमारी बॉडी की सबसे लॉन्ग बोन होती है, तो आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा याद रखना। वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे शॉर्ट बोन्स की, तो ये हमारी क्यूब शेप की होती हैं, यानी कि इसकी जो लेंथ है और इसकी जो वाइड, यानी कि जो इसकी लंबाई है और जो इसकी चौड़ाई है वो बराबर होती है। क्यूब क्या होता है, क्यूब वो होता है जिसका लेंथ यहाँ पे, जिसका लेंथ और वाइड यहाँ पे सेम होता है। अब यहाँ पे ये बेसिकली हमारी बॉडी को जो है स्टेबिलिटी और थोड़ा बहुत मूवमेंट प्रोवाइड करने का काम करती हैं। यहाँ पे हमारी शॉर्ट बोन्स का एग्जांपल होता है कार्पल्स एंड टार्सल्स। तो कार्पल्स एंड टार्सल्स को हम लोग जो है अपनी आगे वाली मतलब आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ये बेसिकली हमारी हाथ और पैरों की बोन्स होती हैं, ठीक है। और वही बात करें हम लोग जो है फ्लैट बोन्स की, तो फ्लैट बोन्स जैसा इसका नाम है तो ये यहाँ पे थोड़ी चपटी होती हैं, ठीक है, यानी फ्लैट होती हैं। तो यहाँ पे ये हमारी थिन और फ्लैट शेप की होती हैं, और ये बेसिकली क्या करती हैं, हमारी इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल हो गया स्कल बोन्स, तो स्कल बोन्स क्या करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और वहीं बात करें हम लोग जो है इररेगुलर बोन्स की, तो देखो जैसा इसका नाम है इररेगुलर, तो इसका जो शेप है, ठीक है, वो यहाँ पे इररेगुलर होता है, यानी कि कोई फिक्स शेप नहीं होता है, कहीं पे छोटा होता है, कहीं पे बड़ा होता है। तो यहाँ पे इसका जो है कॉम्प्लेक्स शेप होता है,
और ये बेसिकली हमारी बॉडी को जो है प्रोटेक्शन और सपोर्ट देने का काम करती है। जैसे हमारी वर्टीब्रा की बोन्स हो गई, यानी हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है तो वही होती है हमारी इरेगुलर बोन्स, ठीक है। एंड एट लास्ट में बात करें हम लोग सेसमॉइड बोन्स की, तो ये यहाँ पे स्मॉल राउंड शेप की बोन होती हैं जो हमारी टेंडन्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और इसका फेमस एग्जाम्पल होता है पटेला, ठीक है। तो पटेला और ये सारी चीज़ों को हम लोग जो है अपनी आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे, तो आप लोग को ये वाला टॉपिक जो है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो टाइप्स ऑफ बोन्स यहाँ पे बहुत ईजी है, ठीक है। बेसिकली ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो अभी आप लोग को समझ नहीं आ रहे होंगे, बट हम लोग जैसे जैसे आगे देखेंगे तो आप लोग को बहुत ही ईजीली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो जैसे हमारी शॉर्ट बोन्स में हम लोगों ने क्या देखा था, क्यूब शेप की होती हैं। तो मतलब देखो अब एकदम क्यूब तो होता नहीं है भाई, बोन है हमारी तो थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन हल्का बहुत यहाँ पे क्यूब शेप होता है। और लॉन्ग हमारी जैसे लंबी होती है, फ्लैट हमारे जैसे चपटी होती है, ठीक है। और इररेगुलर आप लोग देख सकते हो कि इसका कोई शेप साइज फिक्स ही नहीं है। और सेसमॉइड हमारी जो है हमारी बहुत ही पतली सी छोटी सी है, ठीक है, राउंड है। तो ये हमारी जो है पटेला की बोन होती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को आने वाली वीडियोज़ में पता चल जाएगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप लोग बताना कमेंट करके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।